में नहीं मिल सकती। 12:30 10 मिनट है, आ जा। तो यार अभी टिकट्स हो चुकी हैं, अभी बुकिंग कराइए, कल हम लोग फिल्म देखने आएंगे। 11:15 पे हम लोग की है टाइमिंग, तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं बाहर। ये रही टिकट्स, और अभी हम जा रहे थे घर पर। और आप लोग देख सकते हैं पोस्टर वगैरह सारे मूवी के लगे हुए हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तो यार नेक्स्ट डे हो चुका था और मैं थोड़ा बहुत बिजी था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोर्स वगैरह लेने स्कूल का, और उसके बाद फिर रात में सिनेमा में जाएंगे। तो यार तो अभी हम जा रहे हैं कोर्स लेने, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से कोर्स लेके आके। तो वेलकम बैक, तो मैं कोर्स वगैरह लेके आ गया, तो मेरा सारा काम उससे फ्री हो गया था, और अभी बज रहे हैं 9:30। तो मैं जल्दी जल्दी से तैयार होने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे 11 बजे की है टिकट, इसलिए तो अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है। और फिर आप लोगों को पता है तैयार होने में टाइम लगता है, वहाँ पर जाने में ट्रैफिक बहुत मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस कपड़े पहनने, आप लोगों से मिलता हूँ। ये है शर्ट और ये है ट्राउज़र, तो मैं जा रहा हूँ बस जल्दी से नहाने, आप लोगों से मिलता हूँ फिर तैयार होके। मैं हो चुका हूँ तैयार, हम लोग बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे सिनेमा के लिए, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। और हम लोग अभी निकल चुके हैं घर से सिनेमा के लिए, और रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और फाइनली हम लोग सिनेमा पहुंच गए। और ये है आके पार्किंग, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, अभी जल्दी से चलते हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है मूवी स्टार्ट होने में, और पार्किंग तो काफ़ी अच्छी है। लोग अभी अंदर पहुंच चुके हैं। वॉशरूम वगैरह है, और ये सारा स्मोकिंग का एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत अच्छा सोफे वगैरह लगे हुए हैं, और ये ऊपर का देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इधर स्क्रीनिंग वगैरह है, ये सारा पॉपकॉर्न वाला एरिया है, यहाँ से आप कुछ भी ले लो खाने के लिए। ये था सिनेमा, इनकी सीट्स वगैरह बहुत कंफर्टेबल होती हैं, उनका साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मुझे तो ये सिनेमा बहुत अच्छा लगता है। रात भर चैन से सोते जो तुझे ना मिले। और मूवी स्टार्ट हो चुकी है, मूवी के थोड़ी देर बाद ही ये सॉन्ग आ जाता है। भाई
मूवी का इंटरवल हो चुका है, अभी हम गए हैं पॉपकॉर्न लेने और एक कोल्ड ड्रिंक देते पेप्सी। एक पेप्सी। अभी हो चुकी है हाफ फिल्म और काफ़ी अच्छी चल रही है अभी तक तो फिल्म बहुत अच्छी है। तो अभी चलते हैं, दोबारा ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। अभी तक तो फिल्म बहुत मज़े की चल रही है, तो अभी जल्दी से चलते, पॉपकॉर्न वगैरह भी ले लिए, अब जल्दी से चलते हैं और फिल्म स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट में। लोग तो मुझे कातिल समझ रहे हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। तुम लोग क्या समझते थे चक्कर देकर निकल जाओगे? अरेस्ट देम। और फिल्म हो चुकी है खत्म, अभी हम जा रहे हैं घर पर। अच्छी थी ना फिल्म? अच्छी थी ना? अभी हम जा रहे हैं घर पर और फिल्म बहुत ज़बरदस्त थी, एंड फिल्म थी, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर आके देखो, बहुत अच्छी फिल्म थी। वेलकम बैक, तो हम आ चुके थे अपने घर और अब चलते हैं मूवी की रिव्यू की तरफ। पहले हम चलते हैं पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट ये थे कि मूवी को बहुत अच्छी तरह से शूट करा गया और डायरेक्शन कमाल की थी, स्क्रिप्ट भी कमाल की थी और सब एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और नेगेटिव पॉइंट ये थे कि मूवी के सॉन्ग्स में और अच्छे हो सकते थे लेकिन ठीक थे। और मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा फनी भी थी और मर्डर स्टोरी थी, और आपको एंड तक ये पता नहीं लगेगा कि मर्डर किया किसने हैं। एंड तक आप यही सोचो कि आखिरी के 10 मिनट्स में आपको ये बात पता लगेगी। और नीना मुनीर के डबल रोल थे, काफ़ी अच्छा किया। और अगर मुझे फिल्म को रेटिंग देनी हो तो मैं 5 में से दूंगा 3.5। और सब एक्टर्स की कमाल एक्टिंग थी, बहुत मज़ा आया। मुझे तो एक ये पैसा वसूल फिल्म लगी जिसे आप लोग कहते हैं। तो यह मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, आप जाके देखें। अगर आपको बाकी मूवीज़ में कंपेयर करके तो मुझे तो यही लगता है कि चक्कर ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और यासिन नवाज़ की पहली वाली मूवी भी जो यासिन नवाज़ डायरेक्ट कर चुका है वो भी काफ़ी अच्छी थी, जैसे कि रॉन्ग नंबर और मेरी नस आई लव यू, तो वो दोनों भी मैंने देखी तो मुझे इतना आइडिया था कि हाँ बोर तो मैं नहीं होने वाला। तो यह तो मुझे तो बहुत पसंद आई, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा। तो इस व्लॉग का करते हैं हम एंड। और एक और बात कि इस फिल्म का बजट था 4 करोड़, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली अभी तो 4 करोड़ बताया गया है, कंफर्म नहीं है लेकिन अभी 4 करोड़ बोला गया है, थोड़ा सा आगे या कम हो सकता है। और मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पे अपना कलेक्शन किया है 2.5 करोड़। तो यह मूवी अभी अच्छी चल रही है अभी सिनेमा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह।